एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा आपके साथ लौट आई हूँ अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि आप मिथुन राशि के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसे गुजरेगा। सबसे पहले हम सबसे मेजर चेंज देखेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए मेजर चेंज क्या आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए क्या मेजर चेंज आ रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए। द स्टार, यहाँ पे मुझे बहुत सारी हीलिंग दिखाई दे रही है। जैसे बहुत सी हैंड सिचुएशन में अभी तक आप रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक में महसूस में रहे हैं, कन्फ्यूजन में रहे हैं, तो अभी आप उन सब चीज़ों से ओवरकम हो रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने पास्ट में बहुत ही ट्रोमा वाली सिचुएशन को झेला है, जहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ किस दिशा में जाऊँ। अक्टूबर के मंथ में कहीं ना कहीं आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, जब आप अपनी बेहतरी के लिए एक डिसीजन ले पाएंगे कि कहाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे वाइट ऑरा जो है, जो मुझे तारा माता का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको वाइट लाइट का विजुलाइजेशन मेडिटेट करना चाहिए। इसी से आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने की संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितना हो सके तारा माता का मंत्र का जाप कीजिए, भक्ति कीजिए और ग्राउंडेड रहिए। जितनी बार भी ये स्टार का कार्ड आता है, तो खास करके इस एनर्जी में, इस कार्ड में तारा माता की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे दी गई हुई है। तो यहाँ से मुझे भक्ति साथ में ग्राउंडेड होने की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे ग्राउंडेड आपको होना चाहिए, जितना आप ग्राउंडेड रहोगे उतनी ही जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी। इसके साथ में एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है और ज़रूरत है उस बैलेंस को खुद से भी अपनी लाइफ में करने की। इसके लिए आप अफर्मेशंस की भी ट्राई कर सकते हो। जितना अफर्मेशंस करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ग्रीन तारा मंत्र आपके लिए इस महीने के लिए, अक्टूबर महीने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जितना हो सके ग्रीन तारा माता का चैंट जरूर कीजिए। तारा माता की ब्लेसिंग आपके साथ बनी है, ठीक है। चलिए मिथुन राशि के लिए जानते हैं और क्या मेजर चेंज, और क्या एनर्जी अक्टूबर के मंथ में रहने वाली है मिथुन राशि के लिए, और क्या एनर्जी रहने वाली है मिथुन राशि के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, और क्या एनर्जी इनकी रहने वाली है। आपका पहला कार्ड है फोर ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप। ओके, यहाँ पे मुझे वही चीज़ें दिखाई दे रही कि बहुत से मन में अंतर्द्वंद चल रहे हैं, मन में उलझने हैं, उन उलझनों से पार कर पाओगे, एक डिसीजन ले पाओगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखाई दे रहा कि ये ज़रूरत है आपकी कि एक डिसीजन लेना, और इसके लिए जितना मेडिटेशन, इसीलिए आपके लिए मंत्र जाप का मैसेज भी आया है, तारा मंत्र का जाप कीजिए, कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेंगी कि आपको किस राह में आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑफर्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ऑफर्स आपके लिए फाइनेंशली कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसों के लिहाज से ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी माँ की भी मैं इस स्प्रेड में एक वाइब पापा महसूस कर रही हूँ, तो माँ लक्ष्मी जी की इस महीने में आपके ऊपर बहुत ही कृपा रहेगी। दिवाली वैसे भी अक्टूबर के मंथ में रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग रहेगी। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी जी का श्रीम यंत्र मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। श्री यंत्र के साथ में भी आप जितना काम करोगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपकी बहुत ज़्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है और वो पास्ट के ट्रॉमा को लेकर है, और इसके लिए ज़रूरत होगी कि अपने कॉन्शियस माइंड को आप एक्टिवेट करो, क्योंकि यहाँ पे पर्पल कलर है। पर्पल कलर हमेशा क्राउन चक्रा की बात करता है, क्राउन चक्रा यानी कि कॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए इस उलझन से और इस उलझन से निकलने की ज़रूरत है। ये थ्री कप्स में भटकना नहीं है, जो पास्ट की मेमरीज हैं इनसे निकाल फेंकना है, इनको लेट गो करना है। और जो भी यहाँ पे देखिए एक कप आ रहा है, यहाँ पे एक फिश आ रही है। फिश क्या है? कोई ना कोई गुड न्यूज, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अवसर आपकी लाइफ में आना वाला है, और इसके लिए जरूरत होगी अपने कान नाक सब खुले रखने की, ताकि उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो क्या करोगे, मिस कर दोगे। क्योंकि यह फोर ऑफ कप्स एक मिसिंग का कार्ड भी, अगर आप ध्यान से चीजों को नहीं
अपने आसपास के साइन को पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन ऑफर्स को आप मिस कर देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए यही है कि अपने आप को अवेयरनेस में रखिए। थ्री ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे बहुत सारी मैरिज पार्टीज कोलैब मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोशल में स्टेटस आपका काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लिए कहीं ना कहीं फॉलोवर्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंट्स आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बिजनेस में आप ट्राई कर रहे हो, उस बिजनेस में सक्सेस दिखाई दे रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और थ्री ऑफ कप्स भी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, आपकी सिक्योरिटी की बात करती है। ये यहाँ पे कप्स भी कार्ड काफ़ी ज़्यादा है, तो इमोशनली जो आप अपने लाइफ में सिक्योरिटी चाहते थे, वो इमोशनली भी सिक्योरिटी आते हुए दिख रही है। पेज ऑफ कप से मुझे कहीं ना कहीं से आपके लिए लव ऑफर्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस अक्टूबर के मंथ में हाई चांसेस हैं कि वो सोलमेट आपके लिए यूनिवर्स मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन वही चीज़ें हैं ना कि चीज़ें आपकी अलाइन में आएंगी, लेकिन आप उसको कितनी जल्दी कैच करते हो ये आपकी एबिलिटी है। ठीक है, तो इसके लिए अवेयरनेस के साथ आपको रहना होगा इस मंथ में कि कौन सी चीज़ें कौन ईश्वर आपको भेज रहा है, क्या साइन भेज रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड करें। यहाँ पे जैसे कि पहले भी मैंने कहा है, ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है, खास करके अपने रूट से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने पूर्वजों से बात करने की ज़रूरत है, जो अपने घर में बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उनसे अपने एक अच्छे संबंध बना के रखने की ज़रूरत है। और जितने अच्छे उनके साथ संबंध बना लोगे ना, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेज आ जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना, 14 नंबर का कार्ड है, 14 नंबर को मिला दे तो 5 नंबर बन जाता है। तो 5 नंबर क्या है? चेंज का नंबर। तो लाइफ में चेंज आ जाएगी अगर आप अपने बुजुर्गों का खासकर ख्याल रखते, अपने जड़ों के साथ में जुड़ते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मुझे यह भी दिख रहा है कि अगर अपने पूर्वजों से किसी प्यार मान सम्मान या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के आप डील करना चाहते हो कि प्रॉपर्टी मेरी पूर्वजों के द्वारा जो मुझे है वो मुझे मिल जाए, तो वो प्रॉपर्टी भी आपको मिलते हुए दिखाई दे, यानी कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प आपके पूर्वजों की तरफ से भी आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी भी है कि अक्टूबर मंथ में अगर आपने घर को, कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट को अगर आप खरीदना चाहते थे, तो ये अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ही बिग यस है कि आपको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ये मंथ आपके आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा इन सब चीज़ों के लिए, किसी न्यू बिजनेस के लिए, किसी न्यू प्लॉट के डॉक्यूमेंट साइन करने के, किसी भी लिहाज से भी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं उसके लिए भी ये मंथ काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अभी जानते हैं दीपावली में, आप चूँकि अक्टूबर के मंथ में दीपावली भी रहेगी, नवरात्रि भी है, तो जानते हैं कि आपके लिए और क्या माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी जी के आपके लिए मैसेज हैं। मिथुन राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके लिए पहला कार्ड है बृहस्पति जी का है, और ये हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी ज्ञान की ही बात हो रही है। ये पावर की, सोशल पावर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सोशल पावर की बात की, सोशल स्टेटस आपके बढ़ने की बात कही थी। तो यहाँ बृहस्पति जी जो है ना, वो आपके लिए पावर लेके आ रहे हैं, साथ में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी चीज़ें नॉलेज लाते हुए। अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप नहीं समझ पाए थे, तो अक्टूबर के मंथ में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को, साइन को पकड़ पाएंगे। कैपेसिटी टू एक्ट एज टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल मास्टर होंगे। यहाँ पे वैसे भी भक्ति की एनर्जी थी, तो भक्ति आप पढ़ पाओगे, ग्राउंडेड रहना सीखोगे, तो ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअल मास्टर भी हो पाओगे। टीचर की एनर्जी भी यहाँ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्री ऑफ कप्स से। जैसे मुझे मैंने बोला है कि क्लाइंट्स को, फॉलोअर्स को, कस्टमर्स को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्टूडेंट्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये सभी चीज़ें अक्टूबर में आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही। बस आपको क्या करना है कि बस अपनी चीज़ों की जो भी आपकी ड्यूटी है उनको अपने इच्छित मन से करना है, अनिच्छा पूर्वक कोई काम नहीं करना है, इच्छित पर से। और कहीं ना कहीं गुरु की कृपा है आपके ऊपर, बृहस्पति महाराज की कृपा रहेगी, और बृहस्पति भगवान जी आपकी लाइफ में आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आपको बढ़ना है। अगला आपके लिए है गरुण का मैसेज। गरुण है जो डिवोशन टू गॉड, ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक, स्नेक टैरो कार्ड में हमेशा ही एनीच की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रही है अपने दुश्मनों से। इस महीने में अगर कोई भी ऐसा दुश्मन जिसने आपके लाइफ में हेल करके रखा हुआ, तो वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। गरुण का कार्ड, गरुण जो कि है ना, वो एक अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप छोटे मोटे ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और वो ट्रिप जो रहे ना, वो बहुत ही, अगर किसी मन में डर है कि ये ट्रिप में कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मन में बुरे बुरे ख्याल है, तो आपको यह गरुण जी बोल रहे हैं कि आप सिक्योरिटी में हैं,
आप ईश्वर की सिक्योरिटी में हैं और आप ईश्वर की भक्ति करने के लायक है। बस ईश्वर की भक्ति कीजिए और सब कुछ काम करते रहिए। अगला कार्ड है अग्नि। अग्नि आपके लिए है। अग्नि क्या है? अग्नि चीजों को समझने की क्षमता देती कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। ये एक बढ़ोतरी की नॉलेज है। एक अग्नि की बहुत जल्दी जो आगे बढ़ती है, बहुत जल्दी ही बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपकी, अगर कुछ भी चीज़ें स्टक में चल रही है ना, तो यहाँ से आपकी चीज़ें जो स्पीड पकड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे फ्रीडम आपकी लग रही है। कुछ ना कुछ ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ बुरी आदतें अगर आपकी बनी हुई हैं, खास करके देर दिनचर्या को लेकर के, कोई बुरी आदत, कोई लत अगर कोई भी है, तो कहीं ना कहीं अग्निदेव उसे बोल रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं आपको दूर करने की जरूरत है। और यस, लाइफ में आपकी स्पीड आ रही है क्योंकि गॉड ऑफ फायर है और फायर एनर्जी बहुत ही स्पीडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपके नवरात्रि मैसेज हैं। और चलिए जानते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है मिथुन राशि के लिए। ये कार्ड मैं ले रही हूँ, एनर्जी हीलिंग। ओके, बहुत सारी हीलिंग आ रही है और यहाँ पे हीलिंग का मैसेज मैंने दिया है कि ट्रामा से निकल रहे हो, कंफ्यूजन से निकल रहे हो। एंजल ब्लेसिंग काफी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और यहाँ पे ग्रीन कलर काफी हाईलाइट है, तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल राफेल के साथ में अगर आप काम करते हो तो बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में हीलिंग को मैनिफेस्ट कर पाओगे। नहीं तो ग्रीन तारा मंत्र मैंने यहाँ पे आपको बोला है, ग्रीन तारा मंत्र का भी जाप आप कर सकते हो। सेकंड मैसेज है कंपेशन। तो यस, अगर आपको लगता है ईश्वर आपके साथ सब कुछ गलत ही कर रहा है, बुरा ही कर रहा है, बार बार आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो कि जहाँ पे आप मैनिफेस्ट बहुत चीजें करते हो लेकिन आपको हर चीज में नो का सामना करना पड़ रहा है, रिजेक्शन का सामना करना, तो यहां आपके लिए दया आ रही है, कंपेशन आ रही है प्रकृति की तरफ से, एंजल की तरफ से। लेकिन जरूरत है एक्सेप्टेंस की, क्योंकि यहां पे क्या है ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने ही चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सेप्टेंस बढ़ानी होगी। यहां से मैंने एक्सेप्ट का भी मैसेज दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अपनी लाइफ में जितना अवेयरनेस के साथ रहो, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न के भी मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है मिथुन राशि वालों के लिए, क्या यूनिकॉर्न की तरफ से ब्लेसिंग है। सीकिंग गुड, अच्छाइयों को तलाशी। और यही फोर ऑफ कप्स की ही आप देख सकते हो एनर्जी है। बंदा जो है शांत उदास होकर बैठा है, जो उसके पास है उसको नहीं देख पा रहा है, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहा है। तो अच्छाइयों को ढूंढिए, ठीक है, किसी में बुराइयों को मत ढूंढिए, अच्छाइयों को ढूंढिए। अगला कार्ड है आपके लिए मदर मेरी, और ये कंपेशन की ही एनर्जी है। मदर मेरी जैसा कोई भी दयावान नहीं है। माँ की जो एनर्जी होती है वो दया की एनर्जी होती है, प्यार की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे माँ दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी जी आप सभी के लिए एक दया लेकर के आ रही हैं, ब्लेसिंग लेके आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कंपेशन दोबारा रिपीट हुआ है, तो आपकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा रहे थे वो सभी चीज़ें हील हो रहे हैं। और एक जो आप अपनी लाइफ में सिंपैथी चाहते थे वो चीज़ें आपके लिए आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए ऐसे कुछ अफर्मेशंस देख लेते हैं कि क्या अफर्मेशंस आपको करने चाहिए इस अक्टूबर के मंथ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आपका पहला कार्ड है आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम स्ट्रांग। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या चैंट करना है, आई बिलीव माई सेल्फ, अपने आप पर विश्वास कीजिए, चैंट कीजिए आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। ठीक है, अगला कार्ड है आई नाउ रिलीज माई फियर। तो डर को निकाल फेंकिए, और ये डर, इस डर को निकाल फेंकिए। कोई भी ट्रॉमा है बार बार जरूरी नहीं रिपीट, लेकिन आप बार बार उसी चीज को सोचेंगे तो वो चीजें जरूर आपके लाइफ में दोबारा रिपीट होंगी। तो अपने डर को निकाल फेंकिए। अगला मैसेज है आई एम श्योर। तो जो भी करना चाहते हो करिए, और डिसीजन, यही मैंने आपको बोला कि एक डिसीजन लेने की क्षमता आएगी, तो आई एम श्योर ये भी आप मंत्रा चैंट कर सकते हो। चलिए अगला मैसेज देखते हैं आपके लिए, लेट गो। यस, लेट गो, लेट गो योर पास्ट। ठीक है, तो यस मिथुन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो इसके लिए जाइएगा, तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफाई बटन को ऑन कीजिएगा।